केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संघ के तत्वावधान में नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम महेश्वर के नर्मदा भवन में आयोजित किया गया, जिसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संघ के पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की नींव रखी गई। मेघा पाटकर ने नशा न करने को प्रेरित किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष MD चौबे ने संगठन के बारे में जानकारी दी और नशे से क्या क्या हानियाँ होती है उसके बारे में बताया। महिलाओं ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज दिनांक को केंद्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संघ के तत्वावधान में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई और ताई के नेतृत्व में हमने ये संकल्प लिया है कि आने वाले 3 माह तक निरंतर प्रत्येक 5 गांवों के सेंटर पॉइंट पर नशा मुक्ति अभियान के कैंपस लगाए जाएंगे और हमारी ग्रामीण महिलाएं जो है उनको जागरूक किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो छोटे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल 15 साल की है वो नशे के जो आदि हो रहे हैं उनकी भी पूरी रिपोर्टिंग करके मॉनिटरिंग करके सरकार तक इस पूरी सारी जो परेशानियाँ हैं इसको सरकार को भी अवगत कराएंगे, कलेक्टर को, कमिश्नर को सब तक रिपोर्ट भेजेंगे कि जल्द से जल्द गाँव के अंदर जो नशे का व्यापार फैल चुका है इस पर रोक लगाई जाए और जो शराब दुकानों के आसपास भी जो ढाबे चल रहे हैं, जो होटलें चल रही है जहाँ पर नाबालिग बच्चे जो शराब के आदि हो रहे हैं या नशे के आदि हो रहे हैं इस पर भी सरकार संज्ञान में ले और कलेक्टर, कमिश्नर, आबकारी कमिश्नर, आबकारी अधिकारी इस पर रिपोर्ट अपनी गवर्नमेंट को भेजे कि जो हमने शिकायतें की है वो सही है या गलत है, क्योंकि पिछले 3 दिन से तो सरकार क्या प्रशासन सतर्क है और 3 दिन से महेश्वर में लगातार शराब पर उन्होंने रोकथाम लगाई हुई है लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है। हमारी मांग है कि आसपास जितनी भी अवैध शराब बिक रही है इस पर तुरंत रोक लगाई जाए और जो सरकार ने लाइसेंस शॉप्स ओपन की गई है उनका भी जो एक 3 किलोमीटर का दायरा था वो हर 500 मीटर पे सरकार ने जो शराब की दुकान खोल के रखी है उस पर भी हम घोर आपत्ति व्यक्त करते हैं और सरकार इस पर विचार करें कि हमको प्रदेश को शिक्षित बनाना है या शराबी बनाना है, इस पर सरकार भी संज्ञान में इस मामले को ले और ये शराब की नीति में जल्द से जल्द परिवर्तन करे। आपको आके कैसा लगा और आप क्या कहना चाहेंगे नशा मुक्ति के बारे में? आज केंद्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संघ ने जो कार्यक्रम रखा था वो बहुत अहम मुद्दे पर था। आज मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश ही बन गया है और मध्य प्रदेश में और देश में भी बच्चा बच्चा और युवा इस नशे के गर्ते में आकर महिलाओं पर हमारी बहुत हिंसा हो रही है और पूरी समाज की इंसानियत भी ख़त्म हो रही है। हम जाति धर्म के नशा को भी नहीं मानते और हम पैसे के नशा को भी नहीं मानते, लेकिन आज ये जो शराब और अन्य प्रकार की नशा कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक भी पहुंची है वो किस कारण पहुंची है सोचने की बात है। सरकार खुद शराब का व्यापार कर रही है तो फिर अवैध व्यापार करने वाले व्यक्तियों को भी रोकना सरकार चाहती नहीं है और करना नहीं संभव होता है। आज सरकार ये कहती है कि शराब की नई जो नीति आई है उसके अनुसार देशी यानी कच्ची शराब कितने भी लीटर कोई आदिवासी बना सकता है और इसका कारण दे रहे हैं कि ये तो आदिवासियों की धरोहर है। हम कहते हैं कि आप अगर अंधश्रद्धा के खिलाफत करते हैं तो ये भी एक अंधश्रद्धा शासन की तरफ से बताई जा रही है। आज शराब के नाम पर तिजोरी भरने की बात होती है, हजारों करोड़ रुपया शराब से कमाते हैं लेकिन हजारों करोड़ रुपये की श्रम शक्ति जो है वो तो खत्म हो रही है और 270,000 लोग हर साल मौत के कगार पर शराब के कारण धकेले जाते हैं तो ये कोरोना से भी भयानक वायरस है शराब और नशा। लॉकडाउन में सरकार ने शराबियों को इकोनॉमी विलियर्स का नाम देकर पूरी शराब पे छूट दे रखी थी, तो आप इसको कैसे हास्यास्पद लेंगे या फिर क्या कहेंगे? हास्यास्पद नहीं, ये बहुत ही दुखद और संतापजनक है क्योंकि सरकार अपना केवल देख रही है, न महिलाओं का, न परिवारों का, न बच्चों के भविष्य का। और आज हम लोग देख रहे हैं कि देश में जितने स्वास्थ्य केंद्र नहीं हैं उतने शराब की दुकानें खोली गई हैं और देशी और विदेशी एक साथ बेचता है और एक दुकान से गाड़ियां जाती है, मोटरसाइकिल पर जाती है और गांव-गांव के दुकानों पर एक एक गाँव में 30-30 दुकानें भी हमने पाई है। हमारे महिला संगठन ने जिस प्रकार से हमला किया अहिंसक सत्याग्रही उससे कुछ रोक लगते हैं लेकिन इसमें आबकारी विभाग भी शरीक होता है, पुलिस भी साथ होते हैं, इसीलिए कोई कानूनन कार्यवाही भी नहीं होती है। हमारा तो कहना है कि अनुच्छेद 47 संविधान का इसके अनुसार पूरी शराबबंदी होनी चाहिए। कोई कहते हैं कि कानून से क्या होता है, कानून का भी पालन नहीं होता है, पर निश्चित रोक लगती है। पर गुजरात में शराबबंदी,
और बाजू में मध्य प्रदेश में नहीं तो मध्य प्रदेश से गुजरात में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।